जाह्नवी कपूर अपनी डेब्यू फिल्म धड़क को लेकर जमकर मेहनत कर रही हैं। जाह्नवी की पहली फिल्म के शूटिंग से रिलीज के बीच उनकी लाइफ में बहुत कुछ बदल गया। जाह्नवी कपूर की पहचान उनकी माँ श्रीदेवी की वजह से है, लेकिन अब जाह्नवी कपूर ने कर ली है बॉलीवुड में एंट्री। आज हम आपको कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट बात बताएंगे जो जाह्नवी कपूर के बॉलीवुड करियर में कारगर साबित होगी। जाह्नवी कपूर की मॉम श्रीदेवी खुद एक बहुत बड़ी अदाकारा रह चुकी हैं और श्रीदेवी की बेटी से भी जाह्नवी की पहचान बनती है, जिससे उनकी फिल्म को फायदा पहुंच सकता है, क्योंकि हर कोई जाह्नवी को उनकी माँ श्रीदेवी से कंपेयर करना चाहता है। साथ ही श्रीदेवी के देहांत के बाद जाह्नवी के लिए सिंपैथी भी बड़ी है और उनके लिए फ्यूचर में अच्छे फिल्मों के ऑफर की कमी नहीं रहने का एक रीजन ये भी है कि वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोनी कपूर की बेटी है। लेकिन फिल्म धड़क का ट्रेलर देखने के बाद कई लोगों के रिएक्शन ऑपोजिट भी आए कि फिल्म में जाह्नवी कपूर ईशान खट्टर से उम्र में बड़ी लग रही हैं। अब जाह्नवी कपूर की पहली फिल्म को लेकर लोगों का मिला जुला रिएक्शन सामने आया है। ये तो साफ है कि जाह्नवी का बॉलीवुड सफर काफी इंटरेस्टिंग साबित होगा। जाह्नवी कपूर और ईशान खट्टर की डेब्यू फिल्म 20 जुलाई को रिलीज होगी। फिल्म धड़क के प्रोड्यूसर करण जौहर हैं। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल। जाह्नवी कपूर अपनी डेब्यू फिल्म धड़क को लेकर जमकर मेहनत कर रही हैं। जाह्नवी की पहली फिल्म के शूटिंग से रिलीज के बीच उनकी लाइफ में बहुत कुछ बदल गया। जाह्नवी कपूर की पहचान उनकी माँ श्रीदेवी की वजह से है, लेकिन अब जाह्नवी कपूर ने कर ली है बॉलीवुड में एंट्री। आज हम आपको कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट बात बताएंगे जो जाह्नवी कपूर के बॉलीवुड करियर में कारगर साबित होगी। जाह्नवी कपूर की मॉम श्रीदेवी खुद एक बहुत बड़ी अदाकारा रह चुकी हैं और श्रीदेवी की बेटी से भी जाह्नवी की पहचान बनती है, जिससे उनकी फिल्म को फायदा पहुंच सकता है, क्योंकि हर कोई जाह्नवी को उनकी माँ श्रीदेवी से कंपेयर करना चाहता है। साथ ही श्रीदेवी के देहांत के बाद जाह्नवी के लिए सिंपैथी भी बड़ी है और उनके लिए फ्यूचर में अच्छे फिल्मों के ऑफर की कमी नहीं रहने का एक रीजन ये भी है कि वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोनी कपूर की बेटी है। लेकिन फिल्म धड़क का ट्रेलर देखने के बाद कई लोगों के रिएक्शन ऑपोजिट भी आए कि फिल्म में जाह्नवी कपूर ईशान खट्टर से उम्र में बड़ी लग रही। अब जाह्नवी कपूर की पहली फिल्म को लेकर लोगों का मिला जुला रिएक्शन सामने आया है। ये तो साफ है कि जाह्नवी का बॉलीवुड सफर काफी इंटरेस्टिंग साबित होगा। जाह्नवी कपूर और ईशान खट्टर की डेब्यू फिल्म 20 जुलाई को रिलीज होगी। फिल्म धड़क के प्रोड्यूसर करण जौहर हैं। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल।